हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की परफेक्ट मैचिंग के बारे में बात करूंगी दोस्तों, कि उन्हें किन राशि वाले जातकों के साथ शादी करनी चाहिए और उनकी परफेक्ट मैचिंग कौन से राशि वाले जातक हो सकते हैं। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन है जो परिवार की जड़ होता है। यदि जड़ ही कमजोर होगी तो भविष्य में यह पेड़ विशाल वृक्ष भी नहीं बनेगा और फलेगा फूलेगा भी नहीं। कहने का मतलब यही है कि जब दाम्पत्य जीवन इस सुख में नहीं होगा तो परिवार में खुशियां कैसे आएगी। शादी जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी है तो पति पत्नी मिलकर जीवन में आने वाली हर समस्या का डटकर सामना कर सकते हैं और हर समस्या से निजात भी पा सकते हैं। परिवार में यदि खुशी है तो इससे बड़ी खुशी जीवन में कुछ भी नहीं होती है। इसलिए शादी बहुत ही सोच समझकर और कुंडली मिलान के बाद ही करनी चाहिए दोस्तों, और आप स्वयं भी अपनी राशि के अनुसार अपना परफेक्ट मैच जान सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातक, चाहे वे महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए सबसे परफेक्ट जोड़ी कौन सी रहेगी, इस वीडियो के अंतर्गत हम आज जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए परफेक्ट मैचिंग कौन सी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको वृश्चिक राशि वाले जातकों के गुण बता देती हूँ। ये विश्वसनीय होते हैं, अनुकूल होते हैं, मजाकिया किस्म के होते हैं और कल्पनाशील होते हैं और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। आपको डिटेल में गुण जानने हैं तो वृश्चिक राशि वालों के 10 अद्भुत गुण के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और 100% सत्य बातें वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो उसमें आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। आपके शुभ रंग, शुभ रत्न, सब कुछ उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ परफेक्ट मैचिंग के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सबसे परफेक्ट मैचिंग किससे रहेगी, यानी कौन सी राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक यदि मीन राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो वह परफेक्ट मैचिंग कहलाएगी। 100% हम कह सकते हैं 100% परफेक्ट मैचिंग वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मीन राशि वाले सर्वोत्तम पर कहलाएंगे, क्योंकि इनकी पसंद नापसंद सभी एक दूसरे से मेल खाते हैं और ये एक दूसरे को मन से चाहेंगे और इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही खुशहाल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को किस राशि वाले जातकों से शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये मेष राशि वाले जातकों से शादी नहीं करेंगे तो इनके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि मेष राशि वाले जातक क्षण में ही रूठ जाते हैं और क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं, और मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है जबकि वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है। इसलिए दोनों का मिलान बहुत ही मुश्किल होगा। अगर ये शादी भी कर लेते हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहेगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को मेष राशि वाले जातकों से शादी नहीं करनी चाहिए। ये तो थी 100% परफेक्ट मैचिंग, किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, और अन्य राशि वालों के साथ इनका संबंध किस तरीके का रहेगा, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वाले जातक यदि वृषभ राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो कह सकते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन 80% सही रहेगा। थोड़ा बहुत मनमुटाव भी रहेगा, क्योंकि इनकी पसंद नापसंद एक दूसरे के कभी कभी विपरीत जा सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत मेहनती होते हैं, जबकि वृषभ राशि वालों की सोच एक कामयाब जोड़ी के रूप में जानी जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि इनका विवाह संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी मनमुटाव हो सकता है, यानी कि 100% कंपेटिटिविटी नहीं कह सकते हैं, 80% इनके दाम्पत्य जीवन में सुख में रहेगा। इसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले जातक यदि मिथुन राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो भी इनका 80-70% दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। इनके थोड़ा बहुत मनमुटाव इनके जीवन में हो सकता है, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों का दिमाग बहुत अधिक तेज होता है और वृश्चिक राशि गंभीर और स्थिर सोच रखते हैं। इसलिए इनके रिश्ते तो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता है जीवन में। हम कह सकते हैं कि 80% इनका दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा, क्योंकि कभी कभी तर्क वितर्क में तनाव हो सकता है, वैसे ये जोड़ी अच्छी रहेगी।
इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक यदि कर्क राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो ये कार्य व आर्थिक स्थिति दोनों के लिए इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी, किंतु इनके प्रेम के मामले में थोड़ा ये कम पटेगी। विवाह संबंध उत्तम रह सकते हैं इनकी, लेकिन प्यार में थोड़ा बहुत खटास इनके जीवन में रह सकती है। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक यदि सिंह राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही कम खुशनुमा रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 50-60% इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है, क्योंकि कभी कभी इनकी पसंद नापसंद इनके सामने, इनके रिश्तों के सामने आ सकती है, क्योंकि इनके तत्व आपस में शत्रुता के भाव रखते हैं। यदि वृश्चिक अपनी षड्यंत्री चालों को कम कर दें और सिंह राशि वाले जातक अपना एटीट्यूड कम कर दें तो इनकी पट सकती है दोस्तों। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक यदि कन्या राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो भी इनकी कंपेटिविटी ठीक ठीक रहेगी। हम कह सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तम रहेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि ठीक ठीक रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपना क्रोध और कन्या राशि वाले जातकों को अपनी लापरवाही में यदि सुधार कर लेंगे तो इनका विवाह संबंध ठीक रह सकता है। यानी कि थोड़ा बहुत अपने अंदर एडजस्टिंग करना पड़ेगा और अपने अपने गुणों में या अवगुणों में थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा, तभी इनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक यदि तुला राशि वाले जातकों से शादी करते हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक ही रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातक एक जल तत्व राशि है और इसी तरीके से तुला राशि एक वायु तत्व राशि है। जिस तरीके से वायु और जल का रिश्ता रहता है उसी प्रकार वृश्चिक और तुला एक दूसरे के लिए लाभकारी साबित होंगे। तुला राशि वाले जातक आकर्षण में वृश्चिक राशि वाले जातकों में खोए रहते हैं। इनका आपस में विवाह संबंध बनना उचित हम कह सकते हैं, लेकिन 100% ये सटीक परफेक्ट मैचिंग हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक स्वयं राशि वाले जातकों यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों से ही शादी करेंगे तो दोनों का जल तत्व राशि कहलाएगी, लेकिन इसलिए रिश्ते तो इनके अच्छे चलेंगे, लेकिन मतभेद कभी कभी बन सकता है। ये आपस में प्रेम तो करेंगे लेकिन नाराज होने पर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं, इसलिए वैवाहिक जोड़ी हम कहेंगे ठीक ठाक रहेगी, यानी कि स्वयं राशि भी इनके लिए परफेक्ट मैचिंग नहीं कह सकते हैं हम। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक यदि धनु राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो दोनों की मानसिकता में जमीन और आसमान का अंतर रहेगा। यह कहेगा कि एक दूसरा वृश्चिक राशि वाले जातक और धनु राशि वाले जातकों की पसंद नापसंद एक दूसरे से मेल बिल्कुल भी नहीं खाती है। यदि एक उत्तर में जाएगा तो दूसरा दक्षिण में जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका विवाह संबंध करना उचित नहीं रहेगा दोस्तों। सबसे पहले परफेक्ट मैचिंग में पसंद नापसंद एक दूसरे के सामंजस्य बिठाना बहुत ही आवश्यक है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। यदि दोनों एक दूसरे के सामंजस्य से बिठाकर चलते हैं, दोनों एक दूसरे को समझकर चलते हैं, दोनों अपनी अपनी पसंद नापसंद को लेकर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो इनकी गाड़ी अच्छे से चल लेती है, यानी कि विवाह या दाम्पत्य जीवन अच्छे से गुजर पाता है। लेकिन यदि एक दूसरे के अपने ईगो में ही रहेंगे व्यक्ति, यानी कि एक दूसरे के प्रति झुकना पसंद नहीं करेंगे तो फिर इनके दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। इसलिए परफेक्ट मैचिंग हम उसी ही कह सकते हैं कि जो एक दूसरे से तालमेल बिठाकर चले। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक यदि मकर राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो इनकी लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी क्रोध के कारण तूतू में हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातक मकर राशि वाले जातकों पर हर संभव आश्रित रहते हैं, इसलिए उनकी पसंद नापसंद फिर एक दूसरे के विपरीत जाती है, तो हम कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर के रूप में ये जोड़ी अच्छी भी रह सकती है और अच्छी नहीं भी रह सकती है दोस्तों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलेंगे तो परफेक्ट रहेगा, नहीं अन्यथा इनके रिश्तों में खटास आना संभव है दोस्तों। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातक यदि कुंभ राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो विवाह सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक अपना षड्यंत्री दिमाग घर में लाएंगे तो रिश्ते निभने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपना क्रोध कुंभ राशि वाले जातकों पर उतारेंगे तो इनके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। इसी तरीके से
इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि परफेक्ट मैचिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें होती है अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना। यदि दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की खुशियों के लिए कुछ कार्य करेंगे, तो इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अब इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि राशि अनुसार परफेक्ट मैचिंग कौन सी हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक मीन राशि वाले जातकों से शादी करेंगे तो 100% बॉन्डिंग उनकी रहेगी और उन्हें मेष राशि वाले जातकों से शादी करने से बचना चाहिए। और अन्य राशियों से उनके थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग और अपने गुण अवगुणों पर ध्यान देते हुए जीवन चलाएंगे तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। वह सब कुछ उनके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में, उनकी परफेक्ट मैचिंग किस तरीके की हो सकती है राशि अनुसार। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और मेरे इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।